नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश शर्मा। आज हम जानेंगे डॉग्स में हेयर फॉल की समस्या को कैसे दूर करें। ज़्यादातर ओनर्स की कंप्लेंट ये आती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप ये देखते हैं कि जब भी मौसम चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, उस समय आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है डॉग्स के अंदर। तो उससे कैसे दूर कर सकते हैं, सबसे पहले जिन डॉग्स के अंदर हेयर फॉल हो रहा है उनको गंदगी में बैठने से बचाएं। दूसरा आपको क्या करना है कि डिवॉर्मिंग करानी है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो आप किसी भी ब्रांड का डिवॉर्मिंग, मैनकाइंड की आती है, एडिडास की आती है, कोई भी डिवॉर्मर आप लेके आएँ, और मेडिसिन हमेशा चेंज चेंज करके आपको देना है। एक ही सॉल्ट कभी भी आपको यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको एंटी डेंड्रफ शैम्पू आते हैं, एंटी डेंड्रफ एंटी हेयर फॉल शैम्पू आते हैं, तो वो शैम्पू लेके आना है। जब आप शैम्पू लेके आएंगे तो शैम्पू आपको करना है, कैसे करना है, पहले रिंस करना है, वेट करना है सारे हेयर्स को। वेट करने के बाद में पूरी तरीके से शैम्पू को अच्छे से उसको लगाना है। उसके बाद फिर वाटर से क्लीन करना है, क्लीन करके और ड्राई टॉवल से, सॉफ्ट टॉवल से आप उसको अच्छे से पोंछना है। जब आप हेयर्स सूख जाते हैं, बॉडी सरफेस पूरा सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद में आपको कॉम्बिंग करनी है। कॉम्बिंग आपको जहाँ ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है दो बार भी दिन में कर सकते हैं। कॉम्बिंग करेंगे, स्लीकर्स आते हैं इसके लिए, कॉम्ब आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जब ये कॉम्बिंग करते हैं तो उससे डेड हेयर हैं, डेड स्किन है, वो सब निकलते हैं और हेयर फॉल जब का जो कहीं ना कहीं आपका जो है ज़्यादा जो हो रहा है वो कंट्रोल होगा। तो जो मेथड आपको बताया है, इस तरीके से आप अपने डॉग्स के अंदर हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही मल्टी विटामिन स्टार्ट कर सकते हैं, और ओमेगा फैटी एसिड सीरप आते हैं, जैसे न्यूट्रीकोट एडवांस है, कैनसाइन है, और भी कंपनीज़ के हैं, हिमालय का है, कोई सा भी आप लेके आएँ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको हेयर फॉल जो कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। उसके साथ में जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, जैसे व्हीट मील आप दे रहे हैं उसको, या राइस दे रहे हैं, या मिल्क दे रहे हैं, तो आप इसको कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकते हैं जब तक कि हेयर फॉल कंट्रोल तरीके से नहीं हो जाए। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको आप यूज़ करके अपने डॉग्स के अंदर जो हेयर फॉल की या हेयर लॉस की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।